ओडिशा के बालेश्वर जिले में दर्दनाक रेल हादसा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक वाहन का स्टेशन के निकट शुक्रवार शाम करीब 7:20 पर हावड़ा शालीमार एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे 238 लोगों की मौत हो गई जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। ओडिशा में कोरोमंडल एक्सप्रेस शुक्रवार शाम को बालेश्वर जिला अंतर्गत बाहनगा स्टेशन से 2 किमी दूर पनपना के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई। मिली जानकारी के मुताबिक ओडिशा में 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं। इस हादसे में 238 की मौत हो गई जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य जारी है। बालेश्वर में हुई दर्दनाक हादसे के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री हादसे वाली जगह पर जाएंगे। इसके बाद वे बालेश्वर सदर अस्पताल एवं कटर SCB मेडिकल का भी दौरा करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शनिवार की सुबह दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे NDRF SDRF की टीम बचाव कार्य में जुटी है। फिलहाल हमारा ध्यान बचाव कार्य पर है। राहत और बचाव कार्य खत्म होने के बाद ही बहाली का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पहले से ही बहाली के लिए मशीनें तैनात हैं। बेंगलुरु से हावड़ा जा रही एक्सप्रेस के साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर हुई। खड़गपुर DRM ने इसकी पुष्टि की है। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस बेपटरी हुई थी, जिससे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस की टक्कर हुई। इस दुर्घटना में दोनों ट्रेन के 12 कोच बेपटरी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और स्थिति का जायजा लिया। CIBN इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।